हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बिना तेल की मिक्स सब्जी। तो सब्जी की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आज बना रही हूँ बिना तेल के हेल्दी और टेस्टी सब्जी। तो मैंने यहाँ पे फूल गोभी ली है, बीन्स ली है, एक गाजर ली है, एक हरी मिर्ची ली है, एक जुकेनी ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्ची ली है जो पीले कलर की है, और एक हरा टमाटर लिया है। और इन सबको अच्छे से धो के हम इस बाउल के अंदर डालेंगे। और बिना तेल के टेस्टी और स्वादिष्ट हमारी ये सब्जी है जो बनके तैयार होगी। सब्जी को मैंने बढ़िया सा धो लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा गिलास जितना पानी। और सब्जी को गैस पर रखते हैं और गैस को करते हैं ऑन। और अब हम सब्जी के अंदर डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, एक पिंच जितनी काली मिर्च, और एक चम्मच, छोटी चम्मच जितना जीरा, पिसा हुआ, भुना हुआ पिसा हुआ ये जीरा है। और एक चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और इन सारे मसाले को हम बराबर से मिक्स करते हैं और सब्जी को भूनने देते हैं। तो ये सब्जी है जो हमारी एकदम से अच्छी और टेस्टी बनके तैयार होगी। अगर आप डाइट प्लान करते हो और हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो बहुत ही स्वादिष्ट और ये टेस्टी मिक्स सब्जी है जो हमारी बनके तैयार होगी। और बीच में सब्जी को चला देना है ताकि सब्जी है वो नीचे चिपके नहीं, और फिर से इसे ढक देना है। सब्जी को चेक करते हैं कि हमारी सब्जी बनी कि नहीं। तो इसमें हम गाजर को चेक करते हैं, अभी थोड़ी सी बाकी है तो 2 मिनट के लिए हम इसे और पकने देते हैं और वापस से इसे ढक देते हैं। और फिर से चेक करते हैं कि सब्जी पकी कि नहीं, और हम गाजर को ही करते हैं क्योंकि और तो सारी सब्जियां हैं वो जल्दी पक जाती है। तो गाजर भी हमारी इसके अंदर पक के तैयार हो चुकी है और आधे गिलास पानी में ही ये सब्जी है जो बन के एकदम से तैयार हो चुकी है। ये देखो, हेल्दी और टेस्टी हमारी ये सब्जी है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो गैस को मैं कर रही हूँ बंद और बिना तेल की मेरी ये सब्जी की रेसिपी, मिक्स वेज सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर से बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ज़रूर से दबाना। और ये देखो कितनी अच्छी और सुंदर दिख रही है, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से बनाना।